जम्मू कश्मीर से आतंकियों का सफाया करने के लिए सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। रविवार को सेना ने अनंतनाग और शोपिया में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 13 आतंकियों को 2.5 फीट जमीन के नीचे दफन कर दिया। वहीं एक को जिंदा पकड़ने में सेना कामयाब रही। इस मुठभेड़ में सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं, वहीं 4 स्थानीय लोगों की जान चली गई। खबर के मुताबिक अनंतनाग के दायलगांव में 1 और दगाद में 7 आतंकवादी मारे गए। वहीं शोपिया के खिलाफ काचदुरू में सेना ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया। इनमें से 11 आतंकियों की पहचान कर ली गई है। इन आतंकियों में इश्फाक मलिक और ठोकर भी शामिल हैं, जिन्होंने पिछले साल मई में मेजर उमर फयाज की निशंस हत्या कर दी थी। इन आतंकियों ने उस स्थानीय नागरिक को भी मार दिया जिसके घर में वे छुपे हुए थे। कानून और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस इलाके में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। वहीं भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इसके अलावा सैयद अली शाह गिलानी, मिरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक समेत कई अलगाववादी नेताओं को नज़रबंद किया गया है। सुरक्षा बलों के मुताबिक आतंकियों के खिलाफ चल रहा सेना का अभियान हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों के लिए करारा झटका है। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।